नहीं है कसाई हमारे कसाई छोड़ के भाग गए और हम लोग काम कर रहे हैं। नमकीन बोटी क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत टेंडर कोई दूर नहीं। बकरी की चांपे फ्रेश क्रिस्पी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ईद मुबारक आप सबको बहुत बहुत। और अब जो है कुर्बानी की तैयारियां हुई हैं शुरू। हमारा शिपू है जाने वाला, शिपू से आखिरी मुलाकात कर लेते हैं। हाँ भाई शिपू, आई विल मिस यू शिपू, आई विल मिस यू, आई विल मिस यू अलॉट। तुम जाके हमारा सलाम देना और अपने सब दोस्तों से मुलाकात करना और हमारे लिए जो है अच्छी अच्छी बातें, हमारे लिए अच्छी अच्छी दुआएं करना, ठीक है? नाराज नहीं होना, ठीक है? अभी खा लो जो खा रहे हो। शिपू इस वक्त जो है ना बड़ा मिस करेंगे शिपू को। और ये जो है अनाया के सिम्बा और टार्जन, इन सबको है भाई उदास बैठे हुए हो, सारे उदास हैं। आज सब कट रहे हैं तो देखें गली में से कटाई वटाई शुरू हो गई है। कटते में हम डेफिनेटली वीडियो नहीं दिखाएंगे आपको, मगर इस वक्त जो है ना ये तो आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। देखो रश गली में जो है वो रश लगा हुआ है, कसाई वसाई अभी से आ गए, हमने नमाज़ वगैरह कंप्लीट कर ली है तो देखें क्या होता है। कसाई आ रहे हैं चलते हुए, पेट निकाल के आ रहा है। ये भाई हमारा छोटू जो है वो नाश्ता करने लगा है। छोटू साहब बैठे हुए हैं और ये छोटी सी कुर्सी पे मैं भी बैठ जाता हूँ। और यहाँ एक कसाई आ गए हैं, यहाँ भी कटाई शुरू हो गई है। हम लोग जो हैं अपने जानवरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो मौसम आज बहुत अच्छा है। आप सब घर वालों को बहुत बहुत ये मीठी ईद मुबारक हो। और रुखसार जो है घर पे हैं, आराम कर रही हैं, तो बस अब यही चलता रहेगा। अभी सफाइयाँ वगैरह, अब अंदर तो सफाई हो रही है, काम हो रहा है, और बाहर जो है कटाई शटाई। शिपू उदास हो? खाना खा लिया सारा? पानी वानी पी लेना, ठीक है? जो है ना कुछ लगे हुए हैं कसाई रस्सी शस्सी डाल के और लगे हुए हैं अपनी तैयारियां करने। और कसाई हाँ जी तैयारी, ईद मुबारक अंकल, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। तो बस आज फिर रुखसती कराएं इनकी, वहाँ फिर इंशाल्लाह इनको रुखसत करते हैं अल्लाह की राह में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिस करेंगे इन सबको, मगर चलो इस बार की ईद अच्छी रही। और अभी देखिए यहाँ तो कुर्बानी का जो है मंजर शुरू है, समा बना हुआ है यहाँ हर जगह कट कट। मैं आ रहा था रास्ते में तो रास्ते में भी हर जगह कटाई हो रही थी। और साजिद आ गया, साजिद आ रहा है चलता हुआ। साजिद साजिद 7 बजे क्या तुम, वो काम हो गया आधे से ज़्यादा सफाइयों? साजिद नहीं आया, साजिद ड्रामेबाज है, ये अभी आ रहे चलता। ईद मुबारक भाई, ईद में लो, तुमने नमाज़ पढ़ी है नहीं पढ़ी? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बकरों से भी ईद मिलो, ईद मुबारक साजिद जी मिल रहा है सबसे। हाँ भाई है? तुम शिपू को भूल गए? तो हैं अभी वेट कर रहे कसाई का। कसाई हमें लारे लपे दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, और अभी तक आया नहीं है, अपना सामान रख के चला गया। और ये गार्ड यहाँ पे देखो जानवरों को जरूर खिला पिला रहे हैं और इंजॉय करा रहे हैं। फिर देखो अस्सलाम वालेकुम, ये तुमने भी मुझे लग रहा है गाय में काटी है, तुम मौसमी कसाई तो नहीं बने आज? क्या चल है खैरियत से? जो है दुम्बा और बकरा दोनों कट गया है और आई मिस बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। बस दिल दुख तो रहा है मगर अल्लाह की राह में देख लें तो क्या आप कह सकते हैं। खैर बच्चे वगैरह सब लोग जमा थे इधर मोहल्ले में देखने के लिए और सब शिपू को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो सी यू शिपू, अपना ख्याल रखना। गोश्त वोश इस वक्त जो है सारा तैयार हो गया है और ये देखें गोश्त की सारी तैयारियां हो रही हैं। इस वक्त बन रही है कलेजी मज़ेदार किस्म की, अभी हम खाएंगे कलेजी और फिर टेस्ट करके बताएंगे, मज़े की लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है। ओए, और ये बड़े से पतीले में ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त बुनाई हो रही है, 3 कलेजियाँ बन रही हैं। ओए होए होए, मतलब कुर्बानी का दिन और कलेजी सुबह सुबह नाश्ते में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस वक्त जो है ना बस बाहर भी सारा गोश गोश और बस काम ऐसा ख़राब हो रहा है। साजिद भाई हमारे जो हैं काम पे लगे हुए हैं। साजिद भाई काम चल रहा है? काम ऑन है?
अंकल उधर बैठे हैं, गर्मी एक्सेस हो रही है और देख रहे हैं आप बस हर वक्त इस वक्त जो है ना इंटेंसिटी गर्मी की बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बर्दाश्त से बाहर है, गोश्त ख़राब हो रहा है, जल्दी जल्दी चलती लोगों को गोश्त बांट के ख़त्म करते हैं, कहानी के लोगों को मिल जाए, ज़रूरतमंदों को, फैमिलीज को, रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, जितना आप लोगों को बांट सकते हैं सीट पर आप लोग बांटें ताकि ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो और उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि ये होती कुर्बानी इसलिए कि जो लोग गोश्त पूरे साल नहीं खा सकते वो लोग गोश्त खाए, मेरी हालत पसीने पसीने होती है तो एक और है ठीक है, और घर चल के नुकसान से मुलाकात करते हैं कि नुकसान के क्या हाल है। ये पूरा बकरा आप जिशान भाई ही बनाएंगे, ये पूरा बकरा मैंने काटा, ये दो ये भी मैंने काटा, साजिद भाग गया और ये मेरे का भी रहता है, ये अभी दो बकरे और भी बाहर खड़े हैं। A few moments later. तो मैं हो चुकी हूँ ईद के लिए तैयार शैयार और बहुत ही ज़्यादा जो है वो गर्मी है इस टाइम के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि अभी तैयार हुई हूँ, अभी ही मेल्ट हो जाऊँगी, तो अभी जो है मेरा लुक है फुल लुक, मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर के अंदर अपना दिखा दूंगी कि मेरा फुल लुक क्या है, कैसा ड्रेस है, क्या सब कुछ पहना हुआ है मैंने। और अभी जो है चलते हैं, मैं अभी जा रही हूँ ससुराल, ससुराल जाने के बाद मैं अम्मी के घर पर जाऊंगी और मैं सोच रही हूँ कि आज छोटे छोटे से जो है ना वो सबके साथ प्रैंक्स करूँ, तो अभी जो है मैंने कुछ सोचा नहीं है कि क्या प्रैंक होना चाहिए, लेकिन प्रैंक ज़रूर होंगे आज की वीडियो के अंदर, छोटे छोटे से होंगे तफरीहों वाले प्रैंक्स, तो अभी चलते हैं ससुराल की तरफ। ओके गाइस, तो हम लोग जो है हर जगह से फ्री हो गए थे, जहाँ जहाँ हम लोगों ने गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना था वहाँ गोश्त भी दे दिया, ससुराल से भी फ्री हो गए, तो अब जा रहे हैं हम लोग आगे की तरफ और कहाँ जाते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी, और अब जो है चलते हैं। और ईद का दिन तो ये वाला इसी तरीके से गुजरता है कि आप लोग मिलते रहते हो, गोश्त बांटते रहते हो, आप लोग बताओ कि आप लोग फर्स्ट डे कुर्बानी करते हो या सेकंड डे कुर्बानी करते हो, और अगर आप लोगों ने कुर्बानी कर ली तो आप लोगों की जो है अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी जो है वो कबूल करे, और जो है अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी जो है मैं अम्मी के घर पर आ चुकी हूँ और अम्मी के घर पर जो है ये रहे अब्बू, ईद मुबारक आपको भी, और कैसी है आप, कैसी ईद गुजरी आपकी? मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी अभी तक, आपकी कैसी गुजर रही है? वेरी नाइस, बिजी बिजी बिजी, थक के भी और साथ साथ कुर्बानी करके लोगों को गोश्त बांट के, हाँ जी, और जो एंजॉयमेंट ये है ये इसका मजा अलग ही है, बिल्कुल बिल्कुल इसका अलग ही मजा है, और छोटी ईद का अलग मजा होता है, बड़ी ईद का अलग मजा होता है। बेटे को देखे वहाँ पे बारबेक्यू किया, हाँ जी यहाँ पर जो है बारबेक्यू पक रहा है, साजिद मियां है आज के शेफ हैं, साजिद घंटा शेफ है, सारे काम हमें करने पड़ते हैं साजिद के बाद, पहले मैंने पूरा वो बना के रखा हुआ फिर बाहर, और ये बन रहे हैं यहाँ पर चिकन के बारबेक्यू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चिकन में खाते हैं, और क्या बनाया था मैं बताता हूँ, इनने बेवकूफ बनाया था, और साजिद तुमने क्या बनाया दिखा दो, ओए होए होए साजिद ने इतना सब कुछ बनाया, सच्चाई किससे पूछो, वो जो पीछे ये भी पहले हमारी बनी हुई है, ये सच्चाई किससे पूछो, वकील साहब पीछे बैठे हुए वो बताएंगे किसने बनाया, ये हम सब ने मिलके बनाया है, हम तो ये मिली भगत के साथ बारबेक्यू बन गए, हम किसी को एहसास है ना हमको नाइंसाफी नहीं करना चाहते, सबों ने सब अपनी जगह पे, सबों ने सब अपनी जगह पे मेहनत की है, हाँ। और मोहब्बत है, और जितने आप खा के बताएं कैसा है, कैसा है बारबेक्यू जो है अभी बॉडी ट्राई करती है, देखो गर्म मजेदार ओके मजेदार है जी, मजेदार है, चलो जी तो अब हम चलते हैं अंदर, और अभी मैं आप लोगों को मैं रोशर अम्मी वगैरह भी दिखाती हूँ, नया भी दिखाती हूँ। ओके ईद मुबारक आपको भी, आज आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, बड़ी चमक शमक रही हैं आप हैं, थैंक यू सो मच, और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और अल्लाह ताला सबके लिए खुशियों वाला, सलामती और खैर आफियत वाला साल हो, आमीन आमीन, अल्लाह ताला सबके लिए ईद भी बहुत खुशियों वाली हो, आमीन आमीन आमीन। तो चिंटू मिंटूस तुम लोग बताओ कि तुम लोग को अब ईद मज़ा आ रहा है,
या ईद से पहले चांद रात तक मजा आ रहा था? हाँ बच्चों, चांद रात तक मजा आ रहा था। हाँ, उदास हो, रोए थे तुम? नहीं। तुम रोए थे, तुम्हारा रोना तो बनता था यार, हैं? तुम्हारा रोना तो पक्का पक्का बनता था। कल पता है क्या हुआ? ये जो है ना, हमने इसको अंदर भेजा थोड़ी देर के लिए, जिशान शिपू को ना वो धक्का दे रहा था, ठीक है? जब हमने जिशान ने धक्का दिया तो शिपू ना इसी की तरफ अंदर घर की तरफ आने लग गया, वो जा ही नहीं रहा जिशान के पास। उसको हमारा ज्यादा पसंद आता था, जैसे हम उसके साथ खेलते थे ना, उसको धक्का देने तो आता था, वो बच्चे जो बाहर तक वो उसको धक्का दे रहे, जा हमारे के पास है बकरे, हमारे वहां हमारे का बकरा भागा तो हम मना आया, और फिजर का बकरा दोनों वहां भाग रहे हमारे के पीछे, सब हमारे से ही हो गए थे। क्या किया था, कौन सा जादू? हाँ, कौन सा काला जादू किया था? और उसको तो वो तो स्टिक लेके मास्टर था वो। और ये जो है सारी हम लोगों ने आज टेबल डेकोर की है इस तरीके से, और हमारे घर पे ईद का चांद भी आ गया है। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ईद मुबारक ब्लैक ब्यूटी। और जी ये रही मेरोश मैडम, और ये है मेरोश मैडम का फुल लुक। आपको भी ईद मुबारक, एंड दिस इज मेरोश सूट। प्यारी लग रही हैं आप। आप मोटी क्यों हो रही हैं? हाय दुआ, ईद मुबारक। ईद मुबारक। वाओ, बड़ा प्यारा बैग है दुआ का। ओ छापे, दिस इज छाप। ये भी बारबेक्यू हुई है? हाँ, ये छापे भी बारबेक्यू हुई है। ओए होए, मजेदार। ये उतारो बकरे की चांपे, फ्रेश क्रिस्पी। ऊपर जो लटक रही है, तो हमारा प्रैंक नंबर वन जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। अनाया मैडम ने मेरी हेल्प कर दी है, और वो प्रैंक कुछ ऐसा है कि अनाया जो है आप ही के लिए ओरियो बिस्किट जो ओरियो बिस्किट जो है वो तैयार किया है काशा के लिए, और इसके अंदर सबको मैं दूंगी और उनको वो ये वाला। हाँ, और अब हम चेक करेंगे कि आकाशा का जो है वो किस तरीके का रिएक्शन आता है, तो जलते हैं और आकाशा के ब्लॉग की वजह से पता। हाँ, नहीं ब्लॉग तो मैं वैसे ही बनाऊंगी, और अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ कि यहाँ पे सिंगिंग हो रही है ये वो, और तुम आ जाना फिर वहाँ पे, ठीक है? चलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर सब लोग जमा हो चुके हैं, यहाँ पर जो है वो सिंगर भी आए हैं सॉन्ग सिंग करने के लिए। यहाँ पर सब लोग जो है बैठे हैं, बातें शादे कर रहे हैं। हाय आकाशा, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? किधर गायब थी आप? तो अब जो है हम लोग सब लोग ऐसी बातें शाते कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, मैं सबके लिए बिस्किट लाई हूँ, कितनी अच्छी हूँ मैं, सबके लिए बिस्किट लाई हूँ। बिस्किट लाई हो? क्यों भाई, ये मेरे लिए? मुझे बिस्किट दे रही है नाया, बड़ी बात है भाई, मुझे बिस्किट दे रही है बिस्किट। और मैं सबको दूंगी अभी बिस्किट। सब प्लीज बाय मैसेज मत करिएगा कि बैकआउट करें। और ये अरे नहीं है ना, क्रीम है। कुछ नहीं है, क्रीम है, तो नहीं है, सब सब खा रहे हैं। थैंक यू होगा। ओके गाइस, तो ये अब खाना टाइम हो गया है, तो ये आ गई हमारी बिरयानी पुलाव,
और ये आ गई मज़ेदार सी हमारी बोटियाँ, सारी बीफ बोटी हैं इसमें मिक्स। और ये आ गया है यहाँ पर कलेजी, और ये रोटी, ये आ गए सारे रायते, और ये आ गया यहाँ पर नमकीन गोश्त। बहुत ही मज़ेदार सी आज जो है ना सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और फुल ऑन जो चीज़ें बनी है ना वो बनी है बकरा ईद स्पेशल। और ये आ गए मज़ेदार से टिक्के। सबसे पहले मैं ट्राई करने लगा हूँ ये जो मेरी फेवरेट है, ये है नमकीन बोटी, जो कि आप देख रहे हैं बहुत टेंडर, और ये बिल्कुल ड्राई होती है, और ये सिर्फ अदरक और मेरे ख्याल से लहसुन में बनी होती है ना, सही है ना बोल रहा हूँ वैसी है? मजे के लेवल भी अलग है भाई। मज़ेदार नमकीन का हल्का सा टेस्ट, गोश्त का अलग ही मज़ा, कोई मसाले नहीं कुछ नहीं। फिर आ गया आपका ये कलेजी, जो कि हमारी सुन्नत है, कलेजी तो लाजमी कुर्बानी की। और ये हर चीज़ का टेस्ट बिल्कुल माइल्ड रखा हुआ है, क्यों टेस्ट इन्हेंस हो रहा है, क्योंकि अपनी गोश्त में इतना अच्छा ज़्यादा टेस्ट होता है कि ना पूछ। और ये आ गया है अफगानी बोटी, जो कि कुक हुई थी मेड बाय मी मसाला भाई आंटी, तो ये देखो हम तो जी, अब तुम ट्राई करो। मुझे नहीं करने, मैंने नहीं करने, तो ट्राई करो। नहीं मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं गोश्त नहीं खाती कुर्बानी का, तो इससे मैं नहीं ट्राई करूँगी। मैं ट्राई ट्राई कर रहा हूँ, और चिकन तो खाते रहते हैं, तो चिकन का रिव्यू मैं नहीं दूँगा, बाकी सब खाना खा के रिव्यू देंगे, ठीक है। और सब ने खाना खा लिया था, और यहाँ पर अब सब लोग गाने वगैरह एंजॉय कर रहे थे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो आज की, तो आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, ऑल बाय।